हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एगलेस चॉकलेट कपकेक कैसे बनाया जाता है और उसके ऊपर ये चॉकलेट टॉपर्स और साथ में ही चॉकलेट गनाश से आइसिंग कैसे की जाती है। आपसे कुछ भी मिस ना हो इसलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो खाली बाउल में ले लें आप पहले पिसी हुई शक्कर। इसके पूरे क्वांटिटी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर उसमें आप डाल दें दही। जी हाँ, यहाँ पर मैं दही यूज कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर एगलेस चॉकलेट कपकेक बना रहे हैं। फिर आप उसमें डाल दें तेल। तेल आप इसमें वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें डाल दें इंस्टेंट कॉफी पाउडर, ये ऑप्शनल है बट आप ये जरूर डालिएगा। फिर आप उसमें डाल दें वेनिला एसेंस। हैंड ब्लेंडर के हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो शक्कर है और जो तेल है वो अच्छे से दही के साथ मिक्स हो जाए। ये करने में आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। देखिए, जो इंस्टेंट कॉफी डाला है उसकी वजह से इसका कलर कितना अच्छे से आ गया है। और आपको ऐसे ही रेसिपी आगे मिलती जाए और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिएगा कि आप इसे मिक्स एक ही डायरेक्शन में करें, आगे पीछे करके या जिगजैग करके आप इसे मिक्स ना करें। इसे आप लो स्पीड में 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते जाइए। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो लोग कर देते हैं और उनकी वजह से कप केक या फिर जो केक है वो अच्छे से फ्लफी नहीं बनता है, स्पॉन्जी नहीं बनता है। तो आप ये कुछ स्टेप अच्छे से याद रखिएगा। तो आप पहले एक छन्नी लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा आप मैदा। फिर आप उसमें डालिएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अच्छे ब्रांड का ही लीजिएगा। उसमें फिर डालिएगा आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कम यूज किया है। फिर आप इसे छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लीजिएगा। इसका 2 रीजन है। पहला तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और दूसरा इसमें बहुत अच्छा एरिएशन आ जाता है ऐसे छानने की वजह से, और बैटर में इसका कोई लम्स भी नहीं आता है। तो आप ये स्टेप अच्छे से करिएगा। फिर आप इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसे हाफ कट मेथड भी बोलते हैं। तो आप पहले इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करते वक्त भी आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे सेम डायरेक्शन में ही मिक्स करें। जब हम एगलेस केक या फिर कपकेक बनाते हैं तो उसमें दही इसलिए डालते हैं क्योंकि जो बेकिंग सोडा हमने डाला है वो साइट्रिक एसिड से अच्छा रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से फ्लफी बनाता है केक को। फिर आप इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि आप इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा। आप चाहे तो स्पैचुला से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। फिर आप उसमें डाल दीजिए दूध। दूध को यहाँ मैं हाफ हाफ करके डाल रही हूँ। तो पहले आधा पोर्शन मैंने डाला है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे आप साइड से भी अच्छे से मिक्स कर लें, क्लीन कर लें ताकि इसका कोई भी पोर्शन छूटे मत। और फिर मैंने इसमें बचा हुआ आधा दूध डाल दिया है और बस मैं एक राउंड और इसमें हैंड ब्लेंडर अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें कोई लम्स मत रहे और सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। दैट्स इट। तो अब देरी किस बात की, जो केक मिक्स है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम डालते हैं कपकेक मोल्ड में। तो यहाँ जो कपकेक है उसमें मैंने थोड़ी सी इसे ऑयल से ग्रीसिंग की है। आप इसमें सिलिकॉन मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। आप ऊपर के क्लिप में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आता है मार्केट में। मैं यहाँ पर 6 कपकेक बना रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 12 कपकेक का क्वांटिटी लिखा हुआ है। अगर आपको भी 6 कपकेक बनाना है तो आप वो क्वांटिटी को जस्ट हाफ कर लीजिएगा। तो आप सिर्फ 3/4 पोर्शन तक ही इसे फिल कर लीजिएगा, पूरा आप इसे फिल मत करिएगा। इसको हल्का सा आप 2 बार टैप करें ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएं, और जो ये कपकेक का थोड़ा सा अगर मुड़ा हो तो आप उसे हाथ की सहायता से अच्छा कर लें। और प्री हीट ओवन में आप इसे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बेक करें। और ये देखिए कितने अच्छे से ये कपकेक बेक हो रहे हैं। तो मुझे ये बेक करने में 20 मिनट लगे। तो टूथपिक डालकर आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी बैटर नहीं लगा है इसका मतलब जो केक है वो अच्छे से पक चुका है। और आप उसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिएगा। और ये केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ ये कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और ये कितना अच्छा फ्लफी भी है। और ये मैं आपको अंदर से कट करके भी बताती हूँ। देखिए ये कितना ज्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी बना हुआ है। और चलिए अब हम इसके लिए बनाते हैं चॉकलेट गनाश की आइसिंग और चॉकलेट टॉपर्स। तो आप एक बाउल में उबलता हुआ पानी ले लीजिएगा और उसमें कोई भी डार्क चॉकलेट या जो भी चॉकलेट फ्लेवर आपको पसंद है
वो आप बाउल में करके इसमें डाल दीजिएगा। तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड भी कहा जाता है। और अगर हम चॉकलेट को डायरेक्ट गैस में गर्म करेंगे तो होगा ये बहुत ही जल्दी जल जाती है, इस वजह से इसे गर्म पानी में इस तरीके से रखा जाता है ताकि ये धीरे धीरे मेल्ट हो। अगर आप इसे माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं या इसे मेल्ट कर रहे हैं तो आप 30-30 सेकेंड्स के लिए इसे मेल्ट करिए। 30 सेकंड के बाद इसे निकाल के अच्छे से आप इसे चलाइए और उसके बाद फिर 30 सेकंड के लिए लगाइए। और इसे तब तक करना है जब तक इसमें से सारे लम्स ना चले जाएं और ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास एक सिलिकन का चॉकलेट मोल्ड है, तो मैं इसमें पिघला हुआ चॉकलेट कुछ इस तरीके से डाल रही हूँ। फिलहाल मुझे 3 से 4 चॉकलेट की ही ज़रूरत है, तो मैं उसमें उतना ही फिल करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट इसमें डाल सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो आप कुछ इस तरीके से इसमें पिघला हुआ चॉकलेट डालें, इसे स्पैचुला से या फिर स्पून से आप अच्छे से फैला लें। अगर ये आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आप इसे कुछ इस तरीके से क्लीन कर लीजिएगा ताकि जो चॉकलेट का शेप है वो बहुत ही अच्छा आए। इसे थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि एयर बबल इसमें से निकल जाए और आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। तो पाइपिंग बैग को आप एक ग्लास में कुछ इस तरीके से डालिएगा, इससे जो चॉकलेट की फिलिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो चॉकलेट जो है वो हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, जैसे मेहंदी का टेक्सचर होता है कुछ उस तरीके से, क्योंकि उससे जो डिज़ाइन है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मेरे पास एक वाटर बलून है जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो कुछ दूसरा डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसे सेट होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि चॉकलेट ऑटोमेटिक थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम बाउल में मैंने ले लिया है चॉकलेट, चॉकलेट गनाश बनाने के लिए। आप चाहें तो कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी डार्क चॉकलेट जिसमें 50-60% कोको पाउडर हो। तो यहाँ पर क्रीम आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप उसे चॉकलेट के साथ मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ जो चॉकलेट और क्रीम का प्रोपोर्शन है वो 2:1 है, मतलब 2 भाग इसमें चॉकलेट का हो और 1 भाग इसमें क्रीम का हो। तो देखिए ये कितनी जल्दी से मेल्ट हो गया इसके साथ, क्योंकि चॉकलेट को हमने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। फिर इसके साथ ही आप इसमें मिला दें 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर से इसमें बहुत ही अच्छा शाइनिंग लुक आता है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें नहीं भी मिलाएंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो बटर है और चॉकलेट वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आप इसे सेट होने के लिए छोड़ दें। तो वाटर बलून का चॉकलेट सेट हो चुका है, और मुझसे यहाँ एक गलती हो गई कि ये मेरे हाथ से गिर गया, इस वजह से ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। बट कोई बात नहीं, हम इसका दूसरे तरीके से इसका डेकोरेशन करेंगे। और जो ये चॉकलेट है ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए दिख रहा है ना, बिल्कुल कैडबरी का चॉकलेट। तो चॉकलेट की ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसे कैसे भी बनाएं ये बहुत ही अच्छा लगता है डेकोरेशन के लिए। तो मैंने एक और वाटर बलून लिया था और उसे चॉकलेट में कुछ इस तरीके से डिप किया था। मुझे थोड़ा इसमें एक का जो शेल होता है उस तरीके से इसे डेकोरेट करना था, और ये बिल्कुल कुछ हाफ सर्कल में अच्छे से हुआ है। तो अगर आपके पास भी और कुछ आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करिएगा। और ये देखिए जो चॉकलेट गनाश है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, तो हमें कुछ इसी कंसिस्टेंसी तक इसे अच्छे से गाढ़ा करना है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसे फ्रिज में भी रख के थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप इसे थोड़ी देर गर्म पानी में रख दीजिएगा। और कुछ इस तरीके से मैंने आइसिंग बैग में इसे अच्छे से भर लिया है और अपनी पसंद का पहले अंदर नोजल लगा लिया है। ये देखिए, तो आप नोजल अपने मन से कुछ भी पसंद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। याद रखिएगा जो कप केक है वो ठंडा होना चाहिए, गर्म केक में आप इसकी आइसिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आप एन नंबर ऑफ डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। आप जब भी कप केक ऐसा बनाएं तो मुझे इसका डिज़ाइन ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर करते हैं और फोटोज भेजते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से 4-5 डिज़ाइंस बनाई हैं। आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और अगर आपको इमीडिएटली खाना है तो आप इसे बस इस तरीके से डिज़ाइन बनाएं और आप इमीडिएटली बच्चों को दे सकते हैं। बर्थडे पार्टीज में तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मेरे बच्चे और उसके दोस्तों को तो ये बहुत ही पसंद है, तो मैं हमेशा उसके लिए ये बनाती रहती हूँ।
तो बेकिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज है या फिर अपकमिंग वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये मुझे कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ और जो भी रेसिपी आपको चाहिए वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ सारे डिजाइंस बन के रेडी हो चुके हैं। फिर मैंने जो चॉकलेट टॉपर है कुछ इस तरीके से इसे डेकोरेट किया है। मेरे पास कुछ चेरीज थी, अगर आपके पास चेरीज ना हो तो आप स्ट्रॉबेरीज या फिर कुछ और ब्लूबेरी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे अपकमिंग वीडियोस आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस डिजाइन में मैंने सिर्फ एक सिंपल चेरी लगा लिया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल रखे हुए थे तो मैंने इससे उससे डेकोरेट कर लिया है। और ये वाले डिजाइन में मैंने सोचा कि छोटे छोटे जो चॉकलेट्स हमने बनाए थे वो इसमें लगा लूं। तो ये देखिए सिंपल और कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। तो मेरे बेटे को तो ये सारे चॉकलेट कपकेक एक साथ ही खाने थे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।